हम जा रहे हैं कहाँ? सिंगापुर। हेलो पीपल, हाउ आर यू? चाय पी लो। चॉकलेट आइसक्रीम विद एक्स्ट्रा चॉकलेट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त गगन। आज हम जा रहे हैं कहाँ? सिंगापुर। तो कल हमारी सुबेरे 6 बजे की फ्लाइट है, फिर कल तो सुबेरे हमको जाना है, तो जल्दी आना पड़ेगा, जल्दी खा के थोड़ा आराम करना पड़ेगा। जल्दी मिलते हैं सुबेरे। सो फ्रेंड्स, 3 बज गए हैं, कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अब चेक इन करना है, सिंगापुर फ्लाइट पकड़ना है। इंडिगो की हमारी फ्लाइट है 6:05 में, तो अभी सब रेडी हैं, बस जा रहे हैं, चेक इन करेंगे। ऊपर इंटरनेशनल टर्मिनल है उसमें। चलिए सिंगापुर। तो हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर इमिग्रेशन में लाइन लगाना है हमको। एयरपोर्ट इमिग्रेशन करके बैठे हैं, कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो पहुंच नहीं पाए हैं, उसके इंतज़ार में हैं। कलकत्ता से 6:05 फ्लाइट पकड़े थे, लगभग 4 घंटे वहाँ से लगते हैं आपको सिंगापुर पहुंचने में, और फिर वहाँ से 2 घंटे हमको लग गए इमिग्रेशन कम्प्लीट करते लगेज लेते हुए। तो अभी यहाँ पर 2:30 बज रहे हैं, तो सिंगापुर यानी कि 2.5 घंटे आगे चल रहा है हमारे इंडियन। और आपका वीज़ा जो है ऑन अराइवल भी होता है, और पहले भी आप लगवा सकते हैं, जो उसका कॉस्टिंग लगभग 1800 से 2000 रुपये है, तो डिपेंड करता है, फ्लक्चुएट होता है करेंसीज में, उस हिसाब से। यहाँ लाइन से बसें खड़ी हैं, यहाँ हमारी बस खड़ी है, उसमें बैग डालना है। सो फाइनली हम बस में बैठ गए हैं, अब हम ते हैं इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने के लिए, होटल बाद में जाएंगे। और ये आप व्यू देख लीजिए, ये अभी हम बस में हैं और ये नज़ारा बहुत बेहतरीन है। अगर सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर वर्ल्ड का, दुनिया का 4th नंबर का महंगा शहर है, और ये जो नज़ारा है बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मैलोन पार्क और शिप बिल्डिंग भी है, जो सबसे फेमस है सिंगापुर की, इसकी टूर कल करेंगे हम। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ ट्रैक है, ये Formula F1 का ट्रैक है जो सबसे पहले सिंगापुर में बना था, और यहाँ नाइट शो भी होता है Formula F1 का। सो दैट्स अ सिंगापुर, बाकी बातें बाद में करेंगे अपन, अभी आप नज़ारा देखिए।
है, ये पत्ता गोभी मटर है, ये पनीर की सब्जी है, ये दाल है, ये रोटी है, दाल है, और ये चावल है, और ये थाली है। अच्छा नहीं है, सब बोल रहे हैं मजेदार नहीं है वेज का। तो मैंने ऐसा है कि टाइम पास करना है, आना जरूरी है, तो खा लो फिर घूमना है, घूमने हैं। हम यहाँ पर आए हैं मुस्तफ़ा मनी चेंजर में, तो यहाँ पर कॉस्टिंग अभी 55 रुपये 25 पैसा सिंगापुर डॉलर 25 पैसा। हाँ, तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप कलकत्ता के एयरपोर्ट से चेंज करवा ले तो वहाँ पर, या फिर होटल में भी चेंज करवा रहे तो वहाँ 54.35 था, यानी कि यहाँ पर हमको महंगा पड़ा। तो ज़्यादा बेटर है कि कलकत्ता से आप चेंज करवा के लेके आए यहाँ पर। हाँ, बेनिफिट ये है। तो हम यहाँ पर सिम लेंगे और जो सिम कॉस्टिंग है 750 रुपये है हमारे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो अभी हम लोग चलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? हमारे हमारे मजा करवाएंगे। हाय गाइस, हाय, हेलो, एंजॉय योर ट्रिप। ओके, ये हम खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं बस का। हमको समय दिया था कि आप आ जाएंगे खाना खा के मनी चेंज करा के, तो हम आ गए हैं। ये रॉयल पार्क का व्यू है, आप देखिए ऊपर से नीचे तक। और ये जो कार आप सामने से जाते देख रहे हैं, ये है BMW कॉन्सेप्ट कार, जो कि हमको मूवीज में देखने मिलती, मगर यहाँ पर हमको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यू है और देखिए कितना साफ सब सुथरा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो दैट्स सिंगापुर। अगर सिंगापुर के लॉ की बात करें तो बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो की जाती है। आप यहाँ पर चिंगम नहीं खा सकते हैं, कहीं पर भी आप टॉयलेट नहीं कर सकते, और स्मोकिंग तो आप खासकर जहाँ पर स्मोकिंग एरिया है वहीं पर आप स्मोकिंग कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सख्ती है, और अगर क्राइम रेट बोलें तो लगभग बहुत ही कम है यहाँ पर, आपको बहुत कम क्राइम होते दिखेगा, इसीलिए सिंगापुर सेफ है और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है घूमने के लिए। तो ज़रूर घूमें और ज़रूर इंजॉय करें सिंगापुर। अगर बात करें कार की स्पीड की, तो यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा चलाएंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, तो यहाँ फाइन भी बहुत ज़्यादा है, 500 सिंगापुर डॉलर। तो हम पहुँच गए हैं हमारे होटल जिसका नाम है IBS स्टाइल, मैकपियर्सन रोड के पास में है, और अभी पहुँच गए हैं, बस लगेज उतार के अब ऊपर जाएंगे, चेकिंग करेंगे। मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों, ये आसपास का नज़ारा है, देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ से हम पहुँच गए हैं IBS स्टाइल, ये हमारा रूम है, और रूम का आप लुक देखिए बहुत शानदार है। ये हमको रूम मिला है, ये वॉश बेसिन, यहाँ अंदर बाथरूम है, ये छोटा साइज का बाथरूम है, वो भी कलरफुल, और नहाने के लिए अलग से दिया हुआ है। यहाँ हमको लॉकर मिलता है, यहाँ पर कपड़े टांगने की व्यवस्था मिलती है, यहाँ हम हैं खड़े, और ये वॉश बेसिन आपकी। तो ये यहाँ का लुक है, ये हमारा बहुत ही फुल साइज का शुरू होते ही ख़त्म हो गया है, पता ही नहीं लग रहा है कि बड़ा है कि छोटा है। ये हमको शार्प की टीवी मिली है LED। ये यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए, ए वंडरफुल व्यू घर का, ग्रेट। तो अभी होटल पहुंच गए हैं, अब हम फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद फिर निकलेंगे नाइट सफारी के लिए 6 बजे। चलिए, घंटा लगा होटल से आते हुए। ये है, यहाँ लिखा हुआ है सिंगापुर जू, रिवर
और सफारी। अब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, ये नाइट सफारी है, ये एंट्रेंस है यहाँ का, तो नाइट का सफारी देखेंगे कैसा व्यू है कैसा नहीं है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अंधेरे में आ गए हैं, देखो क्या दिखता है। वो सामने छोटा हाथी खड़ा है देखने के लिए हमारे लिए। हेलो पीपल, हाउ आर यू, चाय पी लो। सो नाइट सफारी स्टार्ट हो गई है। ये नाइट सफारी सिंगापुर में जानवरों का कैसा बिहेवियर रहता है नाइट में, इसलिए ये सफारी बनाई गई है। सफारी में अब मैं कैमरा लेके आया हूँ, मगर कैमरा यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि आप देख ही रहे हैं, फ्लैश आप यूज़ नहीं कर सकते, इससे जानवरों के आँखों प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर मना है। जब आप सफारी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका स्नैप लिया जाता है, और ये स्नैप यहाँ पर लगी हुई है सफारी के बाद, और इसका चार्ज है 20 सिंगापुर डॉलर, तो इट्स कॉस्टली। रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं, मजा आवा थे, कैसा लगा थे? एक नंबर, बढ़िया लगा थे। उल्लू बना था, लेकिन नाइट सफारी को हम ये बोलते हैं कि कोई भी कभी भी जावे जब भी सिंगापुर। हाँ, कोई काम का नहीं है। ये है आइसक्रीम, देखो जितनी भी तारीफ करूँ आइसक्रीम की कम है।